सामरी औरत, यूहन्ना 4:1-42। फरीसियों को यह इत्तला मिली कि यसु यूहन्ना के मुकाबले ज्यादा शागिर्द बनाते और बपतिस्मा देते हैं, हालांकि यसु खुद नहीं बल्कि उनके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। जब यसु को इसका पता चला तो वो यहूदिया छोड़कर फिर गलील चले गए। उन्हें सामरिया होकर जाना था। वो सामरिया के सुखार नामी शहर पहुंचे। ये उस इलाके के नज़दीक है जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का कुआं है। यसु सफ़र की वजह से थक गए थे, इसलिए वो कुएं के पास बैठ गए। उस वक्त दोपहर हो चली थी। एक सामरी औरत पानी भरने आई। यसु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। उस वक्त उनके शागिर्द शहर में खाना खरीदने गए थे, इसलिए सामरी औरत ने उनसे कहा, ये क्या आप यहूदी होकर भी एक सामरी औरत से पीने के लिए पानी मांगते हैं? ये इसलिए कहा क्योंकि यहूदी सामरियों के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। यसु ने जवाब दिया, अगर तुम खुदा की इनायत पहचानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है कि मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें जिंदगी का पानी देता। जनाब, औरत ने उनसे कहा, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वो जिंदगी का पानी कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे बाप याकूब से भी अजीम हैं? उन्होंने हमें ये कुआं दिया, वो खुद, उनके बेटे और उनके जानवर भी इसी कुएं से पानी पीते थे। यसु ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, लेकिन जो मेरा दिया हुआ पानी पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो पानी मैं उसे अता करूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, जो दायमी जिंदगी के लिए बहता रहता है। इस पर औरत ने कहा, जनाब, मुझे वो पानी दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहां पानी भरने नहीं आना पड़े। यसु ने उससे कहा, जाकर अपने शोहर को यहां बुला लाओ। औरत ने जवाब दिया, मेरा कोई शोहर नहीं है। यसु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा, मेरा कोई शोहर नहीं है। तुम्हारे 5 शोहर रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वो भी तुम्हारा शोहर नहीं है। ये तुमने ठीक ही कहा। औरत ने उनसे कहा, जनाब, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे बुजुर्ग इस पहाड़ पर इबादत करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में इबादत करनी चाहिए। यसु ने उससे कहा, औरत, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो वक्त आ रहा है जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर बाप की इबादत करोगे और न यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी इबादत करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी इबादत करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों से ही शुरू होती है। लेकिन वो वक्त आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे इबादत गुजार रूह और सच्चाई से बाप की इबादत करेंगे। बाप ऐसे ही इबादत गुजारों को चाहता है। खुदा रूह है, उसके इबादत गुजारों को चाहिए कि वो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। औरत ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह, जो ख्रीस्त कहलाते हैं, आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यसु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं वही हूं। उसी वक्त शागिर्द आ गए और उन्हें एक औरत के साथ बातें करते देखकर ताज्जुब में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा कि इससे आपको क्या, या आप इससे क्यों बातें करते हैं। उस औरत ने अपना मटका वहीं छोड़ दिया और शहर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक आदमी को देखिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। इसलिए वो लोग शहर से निकलकर यसु से मिलने आए। इस बीच उनके शागिर्द उनसे ये कहते हुए दरख्वास्त करते रहे, उस्ताद मोहतरम, खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, जो खाना मेरे पास है उसके मुतालिक तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शागिर्द आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है? इस पर यसु ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी मर्जी पर चलना और उसका काम पूरा करना, यही मेरी गिजा है। क्या तुम ये नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं?
मैं तुमसे कहता हूं कि आंखें उठाओ और देखो कि फसल पककर तैयार है। काटने वाला मजदूरी पाता और दायमी जिंदगी के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और काटने वाला दोनों ही मिलकर खुशी मनाएं। क्योंकि यहां यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें वो खेत काटने भेजा जिसमें तुमने नहीं दूसरों ने मेहनत की और तुम्हें उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। उस औरत ने कहा था, उन्होंने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है। इस वजह से उस शहर के बहुत से सामरी यसु पर ईमान लाए। इसलिए जब वो उनके पास आए तो उन्होंने दरख्वास्त की कि आप हमारे यहाँ रहिए। वो दो दिन वहीं रहे। बहुत से दूसरे लोग उनका वास सुनकर उन पर ईमान लाए और उस औरत से कहा, अब हम तुम्हारे कहने की वजह से ईमान नहीं लाए, बल्कि हमने खुद उन्हें सुना है और हम जान गए कि वो सचमुच दुनिया के निजात दहिंदा हैं।